हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्टान, लर्न टू नो एट नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीएसपीसीएल जेई में पूछे हुए क्वेश्चंस को, जिसका एग्जाम हुआ था 2019 में। 2019 में इसका एग्जाम हुआ था और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। दिस इज सेकंड शिफ्ट पेपर। ओके, फर्स्ट शिफ्ट पेपर को हमने डिस्कस कर लिया है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट पेपर को। ये होगा इसका पार्ट वन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज मोस्ट सुटेबल एज बूस्टर। इनमें से कौन सा डीसी जनरेटर है जिसको हम बूस्टर के तौर पर यूज करते हैं? तो बूस्टर मींस व्हाट? वोल्टेज को बूस्ट करने वाला, राइट? वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए इनमें से कौन सा जनरेटर हम यूज करेंगे, कौन सा डीसी जनरेटर हम इसमें यूज करेंगे? तो यहां पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सीरीज जनरेटर। ओके, इसका जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज जो इसका वोल्टेज का ग्राफ होता है वो हमारा ऐसा होता है, लाइक दिस। ओके, इंक्रीजिंग नेचर का होता है सीरीज जनरेटर का वोल्टेज, दैट्स व्हाई हम उसको यूज करते हैं एज अ बूस्टर। ओके, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ 800 एम्पीयर टर्न पर मीटर विल प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ डैश इन एयर। एयर में कितना फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस करेगा जबकि फोर्स हमारा है 800 एम्पीयर टर्न पर मीटर। व्हाट इज 800 एम्पीयर टर्न पर मीटर? दिस इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इट मींस एच की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, दिस इज एच। एच हमारा कितना है? 800 एम्पीयर टर्न पर मीटर। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है बी की वैल्यू, इट मींस फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इन एयर। एयर के केस में जो म्यू होगा वो हो जाता है क्या? म्यू नॉट के इक्वल होता है। म्यू जो हमारा परमियबिलिटी है वो क्या होता है? ये एक्चुअली में होता है म्यू नॉट इनटू म्यू आर, बट इन केस ऑफ एयर म्यू आर की वैल्यू हो जाती है 1। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि म्यू विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, राइट? और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4π × 10⁻⁷। यहां से बी और एच में जो रिलेशन होता है वो क्या होगा? ये होता है बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। यहां पर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट है और इसकी वैल्यू है 4π × 10⁻⁷। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एच के साथ, एच की वैल्यू है 800। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब हमें बी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर में, इट मींस टेस्ला में। सो 4π × 800 × 10⁻⁷, इट मींस 1, ये हो जाएगा 1.005 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको नियर अबाउट कितना लिख सकते हैं? इसको नियर अबाउट 1 टेस्ला लिख सकते हैं, 1 टेस्ला, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 मिली वेबर। ओ सॉरी, दिस इज नॉट टेस्ला, दिस इज मिली टेस्ला। 1 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट? ये हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, सेकेंड ऑप्शन में गिवन है 1 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर। That's why second option will be the correct answer for this question. Okay, next question देखिए। Next question को देखिए, question number 3। इसमें क्या given है? The function of steel wire in ACSR conductor. ACSR conductor में steel wire का क्या function होता है? ACSR conductor जो होता है उसके कोर में, दिस इज कोर, कोर में यूज करते हैं स्टील, और उसके बाद जो हमारा आउटर स्ट्रैंड इसका होता है, इसका आउटर स्ट्रैंड जो होगा
वो एल्यूमिनियम का होता है। तो वैसे मैंने यहाँ पर जो काउंटिंग है वो ज्यादा कर दी है। जो टू लेयर के जो होंगे एसीएसआर कंडक्टर, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं 7, राइट? यानी कि एक होगा सेंटर में और 6 होंगे आउटर साइड में। ओके, यानी कि एक स्ट्रैंड इसका होगा स्टील का और 6 स्ट्रैंड्स इसके होंगे एल्यूमिनियम के। अब दोनों को यूज करने का क्या यहाँ पर पर्पस है? जो स्टील हम यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं सो दैट इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके इस वायर का। ओके, वायर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज कराने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं स्टील, जो कि कोर में होता है, मिडल में होता है। स्टील के बारे में लिखेंगे मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। और एल्यूमिनियम जो हम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करने का पर्पस क्या होता है? एल्यूमिनियम हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी होती है हाई। फर्स्ट रीजन है कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। ओके, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। इसका जो वेट है, वेट भी कम होता है, वेट इज लेस। उसके बाद इसका कॉस्ट भी कम होता है, कॉस्ट इज ऑल्सो लेस। दैट्स वाई हम यहाँ पर एल्यूमिनियम यूज करते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा है स्टील यूज करने का क्या क्या पर्पस है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराता है ये, प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बकल्स रिले इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांसफॉर्मर्स व्हाट? बकल्स रिले के बारे में यहां हमसे पूछा गया है। ये गैस एक्चुएटेड रिले होता है, गैस एक्चुएटेड रिले या फिर गैस ऑपरेटेड रिले भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको हम यूज कहाँ करते हैं? इसको हम यूज करते हैं ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर में। ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर में हम इसको यूज करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ से बन जाते हैं कि जो हमारा बकल्स रिले है उसको किस टाइप के ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, तो वहां पर आपको मार्क करना होगा ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर। ओके, एक और तरह का क्वेश्चन इसमें आता है कि किस रेटिंग के ट्रांसफार्मर में हम इसको यूज करते हैं, तो जो हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर होंगे वहां पर हम बकल्स रिले को यूज करते हैं, लो रेटिंग वाले में इसकी नीड नहीं होती है। ओके, उसके बाद ये किस तरह के फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है? तो ये इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है, ट्रांसफॉर्मर्स इंटरनल फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट। ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल फॉल्ट होता है उससे ये रिले ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पर ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑप्शन 1 में गिवन है इनर टर्न फॉल्ट, यही जो फॉल्ट है ये क्या है, ये हमारा इंटरनल फॉल्ट है, ट्रांसफार्मर के अंदर का फॉल्ट है। दिस इज एन इंटरनल फॉल्ट। सो ऑप्शन 1 को यहाँ पर हम मार्क करने वाले हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी डिटरमिन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? यहां पर डीसी मोटर के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के बारे में पूछा गया है। तो इन केस ऑफ डीसी मोटर यहां पर हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इन केस ऑफ डीसी मोटर यदि जनरेटर पूछा होता कि जनरेटर में जो टॉर्क डेवलप होता है उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, या फिर जो जनरेटर हमारा है उसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा उसको चेक करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं इन केस ऑफ जनरेटर और लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं इन केस ऑफ मोटर। यहाँ पर मोटर के बारे में पूछा गया तो हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। इट मींस सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम इज वन फॉर्म ऑफ व्हाट? तो ये क्या हो जाएगा, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम ये क्या है, ये है एक तरह का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। ओके इट मींस ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। द डैम्पिंग टॉर्क इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? डैम्पिंग टॉर्क के बारे में पूछा गया है, किस इंस्ट्रूमेंट के डैम्पिंग टॉर्क के बारे में पूछा है, तो यहां पर इंस्ट्रूमेंट जो दिया गया है वो है मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इट मींस यही इंस्ट्रूमेंट होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। इसका पूरा नाम यह है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इसको हम शॉर्ट में एमसी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं या फिर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो इनकेस ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो डैम्पिंग टॉर्क होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पीएमएमसी के कोर में फ्लो होने वाला एडी करंट, राइट? यानी कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के केस में हम एडी करंट को लिखेंगे कि एडी करंट होता है क्या डैम्पिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने में, डैम्पिंग टॉर्क। इस इंस्ट्रूमेंट में एडी करंट डैम्पिंग यूज होता है। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट है जहां पर हम एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं, वो है एनर्जी मीटर। जब आप एनर्जी मीटर की बात करोगे तो इन केस ऑफ एनर्जी मीटर जो डैम्पिंग टॉर्क होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है एडी करंट। एडी करंट डैम्पिंग हम एनर्जी मीटर में भी यूज करते हैं और एडी करंट डैम्पिंग हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में भी यूज करते हैं, राइट? सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडी करंट, राइट? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद यहां पर एक फ्लूइड फ्रिक्शन भी गिवन है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग ये कहां यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर ये वो वोल्टमीटर है जो कि हाई रेंज के वोल्टेज को मेजर करता है, हाई रेंज यानी कि किलो वोल्ट में 11 किलो वोल्ट, 8 किलो वोल्ट, 5 किलो वोल्ट, मतलब किलो वोल्ट के रेंज में वोल्टेज को मेजर करता है, हाई रेंज वोल्टेज। इसको मेजर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। इसका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। और इसमें जो डैम्पिंग टॉर्क यूज किया जाता है वो होता है फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से। सो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग विल बी द करेक्ट आंसर फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आंसर कौन सा होगा, एडी करंट होगा, क्योंकि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हमसे पूछा गया है, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर फॉर हाउस वायरिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज व्हाट? जो हाउस वायरिंग में वायर यूज किया जाता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया किस डायमेंशन में मेजर किया, किस यूनिट में मेजर किया जाता है, उसका यूनिट क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का? तो इसका यूनिट होता है एमएम स्क्वायर। यहां पर देखो एमएम है, मिलीमीटर ये लेंथ का है, लेंथ का यूनिट होता है, सेंटीमीटर ये भी लेंथ का यूनिट है, हर्ज ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, एमएम स्क्वायर ये है एरिया का यूनिट, राइट? सो यहां पर जो हमारा हाउस वायरिंग में वायर यूज किया जाता है उसका जो मेजरमेंट होगा वो एमएम स्क्वायर में होता है। इट मींस थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
इसमें गिवन है ट्रैश रैक फोर बे सर्च टैंक स्पिल बे आर द टर्म्स इन्वॉल्व्ड विद विच टाइप ऑफ पावर प्लांट। तो ये सारे के सारे जो टर्म यूज किए जाते हैं, जो ये सारे जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इट मींस फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लूपिंग constructs the C language, the body of the loop is executed at least once। इनमें से कौन सा लूपिंग हम कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, सो दैट बॉडी ऑफ द लूप एट लीस्ट वन टाइम वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहां पर कौन सा यूज होगा, डू वाइल यूज होगा। डू वाइल, डू वाइल में क्या होता है ना कि जो प्रोग्रामिंग है ये, इसके लास्ट में कंडीशन को चेक किया जाता है। एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो प्रोग्रामिंग का पूरी बॉडी है वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा और लास्ट में जाकर यहां पर कंडीशन चेक होता है। कंडीशन चेक एट द लास्ट ऑफ द लूप, तब जब लूप के लास्ट में कंडीशन चेक होगा, यहां पर कंडीशन चेक होने के बाद अगर ट्रू भी आए या फिर फॉल्स आए, ओके, तो ये लूप कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा वो डिसाइड करेगा कि कंडीशन ट्रू आ रहा है या फिर फॉल्स आ रहा है। बट एक बार तो यहां पर एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इसीलिए एटलीस्ट वंस, एक बार कम से कम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहां पर क्या यूज करने वाले हैं, डू वाइल हम यूज करते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलेवेंथ। इन आईपी क्लास सी एड्रेस, यहां पर क्लास सी एड्रेस के बारे में पूछा गया है, थ्री हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट आर सेट टू व्हाट। मैंने पिछले ही क्लास में बताया था क्लास ए के बारे में, क्लास बी के बारे में, क्लास सी के बारे में। जो क्लास सी है इसमें जो हमारा फर्स्ट थ्री बिट्स जो होंगे वो हो जाएंगे 110। क्लास बी में जो फर्स्ट टू बिट होंगे वो होंगे 10। क्लास ए में जो फर्स्ट वन बिट होगा वो हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पर क्लास सी के बारे में पूछा है, इसमें होगा 110। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू फॉर गिवन सर्किट, इनमें से कौन सा ऑप्शन इस सर्किट के लिए सही है। यहां पर देखिए, इस सर्किट में एक यहां पर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है 40 वोल्ट का, एक यहां पर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है 40 वोल्ट का। दोनों वोल्टेजेस इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों की पोलैरिटी इक्वल है, राइट। इस वोल्टेज सोर्स में देखिए यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है नेगेटिव। इस वोल्टेज सोर्स में देखिए यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है नेगेटिव, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों के बीच में 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस है 0, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0 तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इस लूप में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। आप तो चाहे ऐसे चेक कर सकते हैं या फिर आप इसमें मैश एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। मैश एनालिसिस आप इसमें अप्लाई करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा कि करंट आई विल बी इक्वल टू 0, इस लूप में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ऑप्शंस को देखिए, लास्ट ऑप्शन में गिवन है नो करंट इन द लूप, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड एक्ट्स एज व्हाट। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है, तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर हो
या फिर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर हो, मोटर हो या जनरेटर, अगर ओवर एक्साइटेड है तो दोनों ही केस में ये डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर को, डिलीवर्स रिएक्टिव पावर दोनों ही केस में ये रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। अब इसके अंदर जो ये प्रॉपर्टी है रिएक्टिव पावर को डिलीवर करने का, ये किसके साथ मैच करता है? हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रेसिस्टर ना तो रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है ना ही रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, इसका कोई रिलेशन नहीं है रिएक्टिव पावर के साथ, नो रिलेशन विथ क्यू, नो रिलेशन विथ क्यू। जो इंडक्टर है वो रिएक्टिव पावर को डिलीवर नहीं करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। जो कैपेसिटर है वो रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर हो या फिर सिंक्रोनस जनरेटर हो, अगर वो ओवर एक्साइटेड मोड में है, इट मींस वो रिएक्टिव पावर को डिलीवर कर रहा होगा। और जब कोई भी एलिमेंट हो अगर वो रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता हुआ नजर आए तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एज अ कैपेसिटर एक्ट कर रहा है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम क्या मार्क करने वाले हैं, यहां पर हम मार्क करेंगे कैपेसिटर, इट मींस ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड वाइड वेब WWW was invented by Tim Berners-Lee. Third option will be the correct answer for this question. Okay, next question देखिए. Question number 15. इसमें क्या कहा है ना? Magnetizing impedance of a transformer is determined by which of the following? Transformer का मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस हमें कहां से मिलता है? ट्रांसफार्मर का मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस हमें ओपन सर्किट टेस्ट से मिलता है। जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, तो यहां से हमें मिल जाएगा मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस, यानी कि यहां से हमें आरसी और एक्सएम की वैल्यू मिलती है। आरसी क्या है? कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ रेसिस्टेंस, और एक्सएम हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ये दोनों हमारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो इसका जब ओवरऑल इंपेडेंस हम बोलेंगे तो वही इंपेडेंस कहलाता है मैग्नेटाइजिंग इंपेडेंस। सो मैग्नेटाइजिंग इंपेडेंस हमें कहां से मिलता है? ओपन सर्किट टेस्ट करने से मिलता है। अगर आपसे लीकेज इंपेडेंस बोला होता तो आप क्या कहते? लीकेज इंपेडेंस, लीकेज इंपेडेंस ये होता है R इक्विवेलेंट प्लस J X इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा लीकेज इंपेडेंस, यानी कि ये हो गया ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों का एक साइड रेफर करके, ये हो गया इक्विवेलेंट, और ये हो गया इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रिएक्टेंस या फिर लीकेज रिएक्टेंस इसको बोलते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें R इक्विवेलेंट प्लस J X इक्विवेलेंट, इसको हम बोलते हैं लीकेज इंपेडेंस। लीकेज इंपेडेंस आपको कहां से मिलता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने से मिलता है। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने से हमें मिलता है क्या? लीकेज इंपेडेंस। इस क्वेश्चन में मैग्नेटाइजिंग इंपेडेंस पूछा है, सो ऑप्शन 2 को हम मार्क करेंगे एज अ करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फ्यूज वायर इज कनेक्टेड। फ्यूज वायर को हम कहां कनेक्ट करते हैं? फेज वायर में, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, राइट? न्यूट्रल वायर में हम फ्यूज वायर को कनेक्ट नहीं करते। जो हमारा फ्यूज होता है, घरों में जो हम फ्यूज यूज करते हैं, वो न्यूट्रल वायर में हम कनेक्ट नहीं करते हैं, न्यूट्रल में कनेक्ट नहीं करते हैं, राइट? फेज वायर में हम कनेक्ट करते हैं, और फेज वायर में कैसे कनेक्ट करते हैं? उसका जो कनेक्शन होता है वो सीरीज कनेक्शन होता है, राइट? सो ऑप्शन 2 को हम मार्क करेंगे एज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 17, द डी फ्लिप फ्लॉप, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप इज अ मॉडिफाइड एसआर फ्लिप फ्लॉप विद द एडिशन ऑफ एन इन्वर्टर. ठीक है, व्हाट डज द लेटर डी मीन? डी फ्लिप फ्लॉप में डी का क्या मतलब है? डी फ्लिप फ्लॉप, देखो डी फ्लिप फ्लॉप में डी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है डेटा, राइट? क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो इनपुट में आपने डेटा प्रोवाइड किया है वो आउटपुट को ट्रांसफर कर देता है. जो भी आपने इनपुट में डाला है वो डेटा आपको ये आउटपुट में दे देगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं डी फ्लिप फ्लॉप मीन्स डेटा फ्लिप फ्लॉप, राइट? बट यहाँ पर ऑप्शन में डेटा नहीं है. फिर इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको हम बोलते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप. डी मीन्स हम यहाँ पर डिले भी यूज करते हैं. डिले हम क्यों यूज करते हैं? डिले हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में आपने इनपुट में कोई भी डेटा दे दिया लेकिन वो आउटपुट में तब तक नहीं जाएगा जब तक आप उसको कोई क्लॉक पल्स नहीं दोगे, राइट? जैसे ही आपने क्लॉक पल्स प्रोवाइड किया तो इनपुट का डेटा आपको आउटपुट में नजर आएगा, राइट? तो क्लॉक पल्स देने का मतलब है सम डिले, राइट? इनपुट में आपने डेटा दिया, अब वो आउटपुट में जाने में कुछ तो टाइम लेगा, तो वो जो टाइम डिले है, राइट? इसीलिए उस टाइम डिले की वजह से इस डी को हम एज अ डिले भी बोलते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको डेटा नजर आए तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप डेटा को देना, डेटा अगर नहीं हो तब आप डिले को मार्क कर सकते हो. यहां पर डेटा नहीं है इसलिए हम यहां पर मार्क करेंगे डिले को, राइट? अगर दोनों गिवेन हो, डेटा और डिले दोनों गिवेन हो, तब आप डेटा को प्रिफर करना, ठीक है? ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग डिफिकल्टी ऑफ रेडियल सिस्टम, रेडियल सिस्टम का इनमें से कौन सा डिफिकल्टी है, कौन सा इसका डिसएडवांटेज है जो कि ओवरकम किया जाता है बाय रिंग सिस्टम. तो रेडियल सिस्टम का जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि वोल्टेज इज अफेक्टेड मच एट फार लोड फ्रॉम द सब स्टेशन. ये है रेडियल सिस्टम का मेजर ड्रॉबैक है, राइट? और इसी को ओवरकम किया जाता है इन रिंग सिस्टम. सो यहां पर ऑप्शन टू को आप मार्क करेंगे एज अ करेक्ट आंसर, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19, देखिए, द करंट इन द इंडक्टिव सर्किट इज 10 एम्पीयर, पावर फैक्टर इज 0.866, द पावर द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट इज व्हाट? आपको करंट का मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, वो कितना है? 10 एम्पियर. 10 एम्पियर का करंट फ्लो करता है कहां पर? इंडक्टिव सर्किट में. इट मींस ये जो करंट होगा वो लैगिंग करंट होगा. क्यों? क्योंकि सर्किट है इंडक्टिव, सर्किट इंडक्टिव है तो करंट इसमें फ्लो करेगा लैगिंग करंट. लैगिंग करंट मींस जो करंट का एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ दिस करंट वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, राइट? नेगेटिव साइन के साथ इसका एंगल होगा. अब यहाँ पर आपको पावर फैक्टर दे दिया गया है 0.866. इट मींस जो पावर फैक्टर एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? वो होगा कॉस इनवर्स 0.866. सो कॉस इनवर्स 0.866 ये हो जाता है 30 डिग्री. इट मींस जो एंगल होगा इस करंट का वो होगा माइनस ऑफ 30 डिग्री, ओके? तो ओवरऑल आप इस करंट को कैसे लिखेंगे? करंट आई को आप लिखेंगे 10 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एंगल हो जाएगा माइनस ऑफ 30 डिग्री. सो दिस एम्पियर इज द करंट, ओके? 10 एट एन एंगल ऑफ माइनस 30, इट मींस फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखिए. इस क्वेश्चन में कहा है वोल्टेज रेगुलेशन ड्यू टू फेरांटी इफेक्ट मे बी व्हाट? फेरांटी इफेक्ट के कारण वोल्टेज रेगुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमसे पूछा है. जनरली क्या होता है ना कि सपोज दिस इज सेंडिंग एंड बस बार, यहाँ का वोल्टेज है Vs,
उसके साथ कनेक्टेड है एक ट्रांसमिशन लाइन लाइक दिस। ये हो जाएगा रिसीविंग एंड बस बार, यहाँ का वोल्टेज हम लिख लेते हैं वी आर। इसके साथ कनेक्टेड है लोड, दिस इज अ लोड, राइट, लोड एल। ओके, अब हमें क्या करना, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ना, दिस इज सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज। ये हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन। जनरली क्या होता है कि सेंडिंग एंड वोल्टेज इज मोर देन रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो जब सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो, वैसे केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन विल बी पॉजिटिव, जनरली इतना ही होता है, वोल्टेज रेगुलेशन हमें पॉजिटिव मिलता है। अब हमें क्या करना है, इस वोल्टेज रेगुलेशन को कम करना है, इसको इम्प्रूव करना है। इट मीन्स वोल्टेज रेगुलेशन को कम करके हमें इसको जीरो करना है। जीरो करने के लिए हमारे पास मेथड्स भी होते हैं कि आप रिसीविंग एंड बस बार पे क्या करो, यहाँ पर एक कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट कर दो। कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट करोगे, इसका वोल्टेज जो रिसीविंग एंड बस बार का वोल्टेज जो कि कम है वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट। और उसकी वजह से आपको वोल्टेज रेगुलेशन जीरो भी मिल सकता है, ये पॉसिबल है, जीरो मिलना इज पॉसिबल। ओके, अब यहां पर कहा है कि फेरांटी इफेक्ट के कारण वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा। तो फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट में जो रिसीविंग एंड बस बार का वोल्टेज होगा वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज, राइट। यानी कि फेरांटी इफेक्ट के कारण जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो ज्यादा होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से। तो जब ये ज्यादा हो जाएगा तो वैसे केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन मे बी नेगेटिव, यहाँ पर लिखा हुआ मे बी, तो यहाँ पर मे बी नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल जीरो हो सकता है, ओके, लेकिन मे बी नेगेटिव, ये नेगेटिव ही जा सकता है। तो यहाँ पर हम किसको मार्क करने वाले हैं, ऑप्शन टू को मार्क करेंगे एज नेगेटिव, राइट। ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के केस में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा उसका कंडीशन आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो एट मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होगा और ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस होगा ये दोनों इक्वल होने चाहिए। कॉपर लॉस मस्ट बी इक्वल टू आयरन लॉस। तो जिस लोड पर कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस के इक्वल हो जाए उसी लोड पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, राइट। सो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, कॉपर लॉसेस आर इक्वल टू आयरन लॉस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, इफ द करंट थ्रू अ क्वाइल हैविंग एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी, एक क्वाइल है जिसका इंडक्टेंस है 0.5 हेनरी, वो जो उस क्वाइल का जो करंट है वो रिड्यूस हो रहा है कहां से कहां तक, 5 एम्पीयर से रिड्यूस होकर 2 एम्पीयर तक जा रहा है इन 0.05 सेकंड। 0.05 सेकंड में करंट 5 एम्पीयर से रिड्यूस होकर 2 एम्पीयर जा रहा है, तो di/dt कितना होगा। सबसे पहले यहां से हम फाइंड आउट करेंगे चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, di/dt, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, फाइनल करंट है 2 एम्पीयर, इनिशियल करंट है 5 एम्पीयर, सो 2-5 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम है 0.05 सेकंड, 0.05 माइनस इनिशियल टाइम जिस टाइम पर करंट का रिडक्शन स्टार्ट हुआ है, यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो, लाइक दिस, राइट। अब ये जो हमारा di/dt की वैल्यू होगी कितनी होगी, -3/0.05, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, -3/this, या फिर इस क्वेश्चन में क्या कहा फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल यानी कि वोल्टेज को पूछा है, वोल्टेज हो जाएगा एल इंटू di/dt। यहां पर इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.5 हेनरी, सो 0.5
इनटू डीआई अपॉन डीटी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.05। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0.5 इनटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 और ऊपर में हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, राइट। इसका डेसिमल अगर हम ऐसे कर लें, 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से ये चला जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा माइनस 30 वोल्ट। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस क्वाइल में वो हो जाएगा माइनस ऑफ 30 वोल्ट, राइट। ऑप्शन कौन सा सही है, माइनस 30 वोल्ट, ये सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर यहां पर एक ऑप्शन में प्लस 30 वोल्ट भी होता तो मिस्टेक नहीं करना है, माइनस 30 इसका आंसर होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अ मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट, मेगर के बारे में पूछा है, इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स द रीडिंग इन व्हाट। मेगर क्या करता है, ये रेसिस्टेंस को मेजर करता है, हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, हाई नहीं वेरी हाई लिख दो, वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, तो चाहे ट्रांसफॉर्मर हो या फिर जनरेटर हो, मोटर हो या फिर कोई केबल हो, इसके जो रेसिस्टेंस होते हैं, इंसुलेशन के जो रेसिस्टेंस होते हैं, इंसुलेशन का रेसिस्टेंस ये मेजर करता है, राइट। ये मेजर करता है इंसुलेशन रेसिस्टेंस, इंसुलेशन रेसिस्टेंस, और इंसुलेशन रेसिस्टेंस हमारा वेरी वेरी हाई होता है, मेगा ओम में होता है, राइट। सो इंसुलेशन रेसिस्टेंस को ये मेजर करता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, रीडिंग ये किस में देता है, क्या वोल्ट में देगा, नहीं, रेसिस्टेंस मेजर करता है ना, ओम में, हाँ, हेनरी नहीं, एम्पियर नहीं, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट ओवर TCP/IP कनेक्शंस। इनमें से कौन सा सही होगा फाइल ट्रांसफर के लिए, तो यहाँ पर ये सही होगा FTP। FTP का मीनिंग क्या होता है, यही होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट ऑलमोस्ट 1000 RPM एट नो लोड एंड 950 RPM एट फुल लोड। नो लोड पे इसकी स्पीड है 1000 RPM और फुल लोड पे स्पीड है 950 RPM, ठीक है। व्हेन सप्लाइड विद अ पावर फ्रॉम अ 50 Hz थ्री फेज लाइन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो थ्री फेज सप्लाई हमने इसमें दिया है, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है 50 Hz। इसमें आपसे पूछा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज इज व्हाट, रोटर वोल्टेज क्या होगा। यहां पर आपको सिंक्रोनस स्पीड नहीं दिया गया है, बट इसने आपको क्या कहा है कि इंडक्शन मोटर रन करता है ऑलमोस्ट 1000 RPM एट नो लोड। तो यदि हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इधर है टॉर्क, यानी कि लोड जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा स्पीड एक्सेस। जब लोड होगा जीरो, नो लोड मींस लोड जीरो, लोड जीरो मींस टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो मींस जो स्पीड होगी वो नियर अबाउट यहां होगी, स्पीड यहां होगी ये, और यही स्पीड तो होती है सिंक्रोनस स्पीड, राइट। तो इनडायरेक्ट रूप से इसने आपको सिंक्रोनस स्पीड दे दिया है 1000 RPM, राइट। ये कहा है ना 1000 RPM पे नो लोड पे रन कर रहा है, यानी कि NS की वैल्यू आपको दे दी गई है 1000 RPM, और रोटर की स्पीड एट लोड
फुल लोड पर 950 आरपीएम दे दिया गया है। यहां से आप स्लिप को फाइंड आउट करेंगे, स्लिप एस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, एनएस माइनस एनआर ये हो जाएगा 50, सो स्लिप विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय एनएस व्हिच इज 1000, यानी कि 5/100, 5% का यहां पर होगा स्लिप, ठीक है, 5/100 ये हो गया स्लिप। अब आपको इसने पूछा है कि रोटर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी होगी, सो रोटर वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी, रोटर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी या फिर रोटर में जो करंट फ्लो करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी, रोटर को हम, रोटर की फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं F2, तो F2 हो जाएगा स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी F1। स्लिप यहां पर हमें मिला है 5/100 इनटू F1 जो कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है 50 हर्ट्ज, राइट, सो 5 × 50 डिवाइडेड बाय 100 इट मींस ये हो जाएगा 2.5 हर्ट्ज। ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2.5 हर्ट्ज, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है ना, 1 kWh ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द सेम एज वॉट, यहां पर 1 kWh एनर्जी, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर 1 BOT भी बोलते हैं, 1 BOT, राइट, सो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इट मींस 1 kWh ऑफ एनर्जी। अब इसको आप ब्रेक करो, जो 1 kWh लिखा हुआ है ना इसको ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करोगे, 1 kW, 1 kW मींस 1000 वॉट, उसके बाद है आर, 1 hour, 1 hour means what? 1 hour means 3600 seconds, right? तो यहां से आपको क्या मिल गया है, यहां से अब जो यूनिट मिला है वो मिला है वॉट इंटू सेकेंड में, और वॉट इंटू सेकेंड होता है जूल, राइट, वॉट इंटू सेकेंड हो जाएगा जूल, तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि 1000 इंटू 3600, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा वॉट इंटू सेकेंड, और वॉट इंटू सेकेंड को आप कहेंगे जूल, राइट, वॉट इंटू सेकेंड हो जाएगा जूल, तो कितना जूल हो गया, 36 × 10⁻³ और 2, 50 यानी कि 10⁵, 36 × 10⁵ जूल, इतनी एनर्जी हो जाएगी, ओके। ऑप्शन देख लीजिए, जूल, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, देखिए द सीआरटी डिस्प्ले is made up of small picture elements called pixels, okay, the image clarity or resolution of the display, इसमें क्या है ना कि अगर जो pixels हमारे छोटे होंगे, smaller pixels होंगे तो picture की clarity अच्छी होगी, right, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो pixel का size है वो अगर जो small हो तो इमेज की जो क्लैरिटी है वो गुड होगी, यानी कि बेटर, मैं लिख देता हूँ बेटर होगी, स्मॉलर एंड बेटर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर लार्जर भी लिखा हुआ है, लार्जर होगा तो पुअरर होगा, ठीक है, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी फीलिंग को समझो, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसकी फीलिंग को थोड़ा सा समझो, इमेज की क्लैरिटी कैसी होगी, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में इसको मार्क करते हैं, स्मॉलर एंड बेटर, राइट, वैसे अनऑफिशियली अगर देखा जाए तो इसको भी आप करेक्ट मार्क कर सकते हो, राइट, दोनों यहां पर आंसर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 28. इफ द फ्लक्स ऑफ अ डीसी मोटर का फ्लक्स अप्रोचेस टू जीरो, इट्स स्पीड विल व्हाट. डीसी मोटर का जो फ्लक्स है अप्रोचेस टू जीरो, तो इसकी स्पीड के बारे में पूछा है कि स्पीड कितनी होगी, स्पीड कैसी होगी. स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, स्पीड n इज इक्वल टू हो जाएगा बैक ईएमएफ इनटू वन कांस्टेंट के एन इनटू फाइव फ्लक्स. ओके, इसमें क्या है ना, इसने कहा है कि जो डीसी मोटर का जो फ्लक्स है वो अप्रोचेस टू जीरो, जब यहां पर फ्लक्स हो जाएगा जीरो तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी. राइट, वन अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो मीन्स इनफाइनाइट ना, तो इट्स स्पीड विल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. ओके, इन्फिनिटी कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन होगा वन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाँ, इसीलिए तो इसमें क्या है ना, इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर लीजिए कि डीसी सीरीज मोटर की जब मैं बात करूं, डीसी सीरीज मोटर, तो इस मोटर को हम नो लोड पर नहीं चलाते हैं, इसको हम नो लोड पर नहीं रखते हैं. नो लोड पर इसको रन कराना हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि नो लोड मीन्स कोई भी करंट ये ड्रॉ नहीं करेगा. राइट, आइडियली वैसे नो लोड पर भी करंट ड्रॉ करता है, नो डाउट. तो आइडियली यदि हम बात करें तो इसमें नो लोड पे कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, और प्रैक्टिकली हम यदि बात करें तो वेरी वेरी स्मॉल करंट ये ड्रॉ करेगा. और अगर स्मॉल करंट ड्रॉ करेगा तो जो इसकी इसका जो फ्लक्स होगा वो भी स्मॉल होगा, है ना, क्योंकि जो इसका फील्ड वाइंडिंग होता है, डीसी सीरीज मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो जो आर्मेचर करंट होगा वही फील्ड वाइंडिंग का करंट होगा, और फील्ड वाइंडिंग की करंट आइडियली जीरो, प्रैक्टिकली वेरी वेरी स्मॉल. तो जब स्मॉल करंट उसमें फ्लो करेगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा जीरो, नियर अबाउट जीरो, वेरी वेरी स्मॉल. राइट, तो जब बहुत ही कम फ्लक्स अगर वो प्रोड्यूस करता है तो उसकी स्पीड हो जाती है डेंजरस, वेरी वेरी हाई स्पीड. इसीलिए डीसी सीरीज मोटर को हम नो लोड पर रन कराना अवॉइड करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए. इन एन आरएलसी सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज व्हाट. सीरीज आरएलसी सर्किट है, सीरीज आरएलसी सर्किट, अप्लाई किया गया वोल्टेज है वी वोल्ट अप्लाई किया गया, तो रेसिस्टेंस है, इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है. अब यहां पर देखो एट रेजोनेंस क्या होगा, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज दोनों का मैग्नीट्यूड होगा सेम, और डायरेक्शन होगा अपोजिट. इट मींस ये दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा. राइट, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, यानी कि ये दोनों मिलकर बिहेव करेगा जब शॉर्ट सर्किट. ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ इस सर्किट में एक रेसिस्टर ही कनेक्टेड है. एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको सिर्फ नजर आएगा कि सिर्फ एक रेसिस्टर ही कनेक्टेड है यहाँ पर इस सोर्स के साथ, और इंडक्टर और कैपेसिटर, इसको आप मान लो कि यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर है, एल और सी है, जो कि एक दूसरे के वोल्टेज को कैंसल आउट कर दिया है, यानी कि वोल्टेज है जीरो. जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन का वोल्टेज है जीरो, तो कहीं पर अगर वोल्टेज जीरो दिखता है तो आप इसको क्या बोलते हो, शॉर्ट सर्किट. तो मैंने इसको शॉर्ट सर्किट लिख दिया. इट मीन्स आपको नजर आएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक रेसिस्टर कनेक्टेड है यहाँ पर, तो रेसिस्टर के अक्रॉस का कितना वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है. राइट, वही वोल्टेज होगा ना, वी वोल्टेज आपने अगर अप्लाई किया है तो रेसिस्टर के अक्रॉस आपको वी वोल्टेज नजर आएगा. ओके, ऑप्शंस को देख लीजिए. सेकंड ऑप्शन में गिवन है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30,
द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डज नॉट डिपेंड ऑन वॉट. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो पावर का जनरेशन होता है वो इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है. सबसे पहला पॉइंट कि जो इसमें पावर का जनरेशन होता है इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. ये होगा ईटा एफिशिएंसी यानी कि ओवरऑल एफिशिएंसी इनटू डब्ल्यू इनटू एच इनटू क्यू. इनटू हो जाएगा 9.81 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोवाट. इतना पावर यहाँ पर जनरेट होता है. यहाँ पर क्यू क्या है? क्यू है डिस्चार्ज. Q is discharge. H क्या है? H है head. Head of water. Water head. Right? W क्या है? ये है density of water. W is density. Density of water is W. ये है overall efficiency. Overall efficiency. अब इनमें से देखिए जो options given है उनमें से कौन सा depend नहीं कर रहा होगा. इसको देख लीजिए. Specific weight of water, यही है density of water W. Rate of flow of water, यानी कि what? This is discharge, यानी कि Q. Height of water head, this is H. Efficiency of evaporator, यानी कि fourth option will be the correct answer for this question. Okay? चलिए next question देखिए. Which of the following CPU registers contains the address of next instruction to be fetched from the main memory when the previous instruction has been successfully completed. इसका आंसर क्या हो जाएगा? MDR नहीं होगा, ये नहीं होगा, accumulator नहीं होगा, PC हो जाएगा, program counter. यानी कि 4000 will be the correct answer for this question. Okay? चलिए next question देखिए. Question number 32. How many different symbols? Symbols means digit या फिर characters. Different symbols are used in base n number system. Base n number system में कितने different symbols को हम use करते हैं? यदि मैं binary की बात करूं, binary number system, इसमें कितने different symbols आप use करते हैं? इसमें आप use करते हैं 0 और use करते हैं 1, ये use करते हैं ना. यदि मैं बात करूं octet नंबर सिस्टम, इसमें आप कितने यूज करते हैं? इसमें इसका जो बेस नंबर होगा, देखो बाइनरी का बेस नंबर है 2, ऑक्टेट का बेस नंबर है 8, तो इसमें आप कहां से कहां यूज करते हैं? इसमें आप 0, 1, 2, 3 up to 7, राइट. इसमें आपने 8 डिफरेंट सिंबल्स को यूज किया या फिर 8 डिफरेंट डिजिट्स को आपने यूज किया. क्यों? क्योंकि इसका बेस क्या था? 8 था. अगर हम डेसिमल की बात करें, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल का बेस कितना है? 10. इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं 0 to 9, यानी कि टोटल 10 डिजिट्स हम इसमें यूज करते हैं. 10 डिफरेंट डिजिट्स हम यूज करते हैं इन केस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम. अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो हम 16 यूज करते हैं. 16 डिफरेंट डिजिट्स या फिर कैरेक्टर्स यूज करते हैं. उसमें हेक्साडेसिमल में क्या होता है? हेक्साडेसिमल में इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम 10 डिजिट्स यूज करते हैं और 6 यूज करते हैं कैरेक्टर्स, राइट. यानी कि 0 टू 9, एक तो 0 टू 9 यूज करते हैं, उसके बाद फिर A टू F हम यूज करते हैं, राइट. तो ये हो गए डिजिट्स और ये हो गए कैरेक्टर्स, यानी कि डिफरेंट. अगर हम कैरेक्टर्स और डिजिट्स सबको एक साथ अगर कंसीडर कर लें तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16 कैरेक्टर्स या डिजिट्स हम यूज करते हैं. डिफरेंट कैरेक्टर्स डिजिट्स हम यूज करते हैं इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि अगर जो बेस एन नंबर सिस्टम है तो उसमें एन नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स हम यूज करेंगे. ओके, ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33। वेट 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 कोई छूटा तो नहीं? नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन में कहा है अ जनरेशन स्टेशन हैज एवरेज डिमांड एंड मैक्सिमम डिमांड ऑफ 48,000 किलोवाट 96,000 किलोवाट रेस्पेक्टिवली। इफ द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 0.48 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विल बी व्हाट। यहां पर आपको आपको दिया गया है एवरेज डिमांड, तो पी एवरेज, एवरेज डिमांड आपको दिया गया 48,000 किलोवाट, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड आपको दिया गया कितना, 96,000 किलोवाट। उसके बाद आपको कैपेसिटी फैक्टर दिया गया है, कैपेसिटी फैक्टर इसकी वैल्यू दी गई है 0.48। आपको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पूछा है कि कितना होगा, तो कैपेसिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, कैपेसिटी फैक्टर दिस विल बी इक्वल टू एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय रेटेड कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी। यहां से रेटेड कैपेसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एवरेज डिमांड की वैल्यू क्या है, 48,000 किलोवाट, कैपेसिटी फैक्टर गिवन है 0.48। इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना मिलेगा, ये हो गया 1000 किलोवाट, उसके बाद हो जाएगा 100। इट मींस व्हाट, दिस किलोवाट, राइट, 1 लाख किलोवाट। ऑप्शन देख लीजिए, फोर्थ ऑप्शन में गिवन है 1 लाख किलोमीटर किलोवाट, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यहां पर इस क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन में ये कहा है द नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अराउंड द लूप। यानी कि ये केवीएल के बारे में बात किया है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ये। दिस लॉ इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, लेंज लॉ नहीं है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं है। अब बच गया सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो होता है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ। जो सेकेंड लॉ होगा, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, ये हो जाता है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट। ये हमारा केवीएल है, यानी कि सेकेंड लॉ इसका आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन इसके साथ ऐड कर लीजिए कि जो केसीएल होता है वो केसीएल बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और केवीएल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ये होगा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव एरो ग्लास
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें से कौन सा नहीं होगा? विंडोज 7 स्टार्टर नहीं होगा, है ना? डज नॉट हैव एरोग्लास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये किसमें नहीं है? ये विंडोज 7 स्टार्टर में नहीं है। इसके साथ एक और लिख लीजिएगा, विंडोज 7 होम बेसिक में भी नहीं है, बेसिक में नहीं है लेकिन प्रीमियम में है, ठीक है? तो होम बेसिक में नहीं है और स्टार्टर में नहीं है। यहां पर आपको क्या दिया गया है? स्टार्टर दिया गया है, विंडोज 7 स्टार्टर, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।